First of all, thank you so much मेरी इससे पहले वाली वीडियो इतना प्यार दिखाने के लिए. Very very happy, I'm very happy. मुझे पता नहीं था ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, but yeah, thank you so much. काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि तू दिखावा कर रहा है, तू ब्रीडर है, तू इसको बेचने आया है क्या, stuff like that, but I don't care. The main thing is, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो, it is as of my campaign. अभी वो मेरा एक campaign है कि मैं reptiles से जितनी नफरत करते हैं लोग और जितने भी misconception है reptiles के बारे में, मैं वो हटाना चाहता हूँ लोगों के दिमाग से. क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैं ऑलिव को लेकर गया था सीपी में, वहाँ पर लोगों को पता भी नहीं था वो क्या होता है. बट ठीक है, ऑब्वियसली एक्जॉटिक पेट है, बाहर का है तो कैसे ही पता होगा. एंड स्नो इज़ कॉलिंग मी क्योंकि रूम बंद किया हुआ है मैंने, इसी वॉन्ट्स टू गेट इन. तो एनी वे, तो लोगों को पता नहीं था, पर वो कह रहे थे कि ये पटड़ा गो है, ये एक गो है, और इसको बंगाली में भी कुछ बोलते हैं. आई डोंट रियली रिमेंबर दैट नेम, पर हाँ, आई श्योरली नो कि इट इज़ कॉल्ड दैट. सो लोगों ने काफ़ी बोला कि हमने इसका मीट खाया है, ये बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत जहरीला होता है, आप इससे दूर हो जाओ, और आप इलीगल वाइल्ड लाइफ सेलिंग कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ स्मगलर हो, वो सब चीज़ें. तो आई रियली वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस ऑलिव, बिकॉज आई सी दिस ऑलिव के थ्रू ही मैं लोगों का जितना भी नफरत है रेप्टाइल्स के लिए वो मैं मिटा सकता हूँ. और अगर ये हो गया तो वी विल सेव मॉनिटर लिजार्ड्स ऑफ इंडिया, और हम बहुत सारे सांप हैं जिनको हम बचा लेंगे, जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ ऑल द माइथोलॉजीज. सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल मैसेज, सो या लेट्स बिगिन दिस वीडियो. So everybody, this is Olive. आपने इसको देखा होगा मेरे पहली वाले वीडियो में. शी इज जस्ट लाइक माई गर्ल. ये एग्जॉटिक पेट ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं अब, ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिल सकते हैं. पर इनको पालने वाले, जो अच्छे से पालने वाले लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हैं आज भी. इट इज़ अ रेयरिटी कि अगर किसी को अच्छे से ये पालना आता है और उनकी इगुआना अग्रेसिव नहीं है. I'll just let her go. इसको जाना है अभी. ये अभी सोकर उठी थी थोड़ी देर पहले, तो she becomes like that. और यहाँ पर सिम्बा भी है, स्नोई भी है. ये मेरे घर पर स्नोई और थियसा की तरह ही रहती है, सिम्बा के साथ चिल करती है. It is a very unique thing. थोड़ा सा इगुआनास के बारे में बात करते हैं. इगुआनास बिलोंग करते हैं ब्राज़ील मेक्सिको की साइड से, पैराग्वे आइलैंड्स और उधर की साइड से. दे यूज़ टू बी ग्रीन इगुआनास बहुत पहले, फिर उनमें म्यूटेशन होने लगी और अब आपको रेड इगुआना मिल सकती है. ग्रीन तो मिलती है ऑब्वियसली, ब्लू मिल सकती है, ब्लू काफ़ी फेमस है. और आपको और भी अल्बाइनो भी आजकल सेलेक्टिव ब्रीडिंग से उन्होंने बना दी है, तो यू कैन फाइंड इट वेरी वेल. सो इनका केयर, बेसिक केयर इनकी क्या होती है, बहुत इजी केयर होती है. आज इनकी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होती है, और इनके साथ जो आपको बिहेवियर होता है आपका, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आपको बैलेंस करना होता है सब कुछ. तो अभी डाइट की बात करते हैं. डाइट होती है इनकी लीफी वेजिटेबल्स. इनको लीफी वेजिटेबल्स चाहिए होती है विद 20% और 30% फ्रूट्स इन अ वीक. ज़्यादा फ्रूट्स नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ हाई इन द शुगर कॉन्टेंट. बहुत बहुत ईजी है डाइट, नो डिफिकल्ट डाइट रिक्वायर्ड. पर हाँ, जो भी आप लीव्स उसको देंगे, जो भी फ्रूट्स देंगे, जस्ट मेक श्योर वो सड़े हुए नहीं हैं, दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, जस्ट मेक श्योर.
इसके बाद आता है आपका जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है यूवीबी, अल्ट्रा वायलेट बी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक बास्किंग बल्ब की ज़रूरत होती है. तो यू हैव टू गेट इट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी. या फिर अगर आपको सनलाइट आती है आपके घर पे, तो आप वेल एंड गुड, यू आर अ लकी गाय इफ़ यू वांट टू कीप एन इगुआना. मैं इसको धूप भी दिखा देता हूँ, ये धूप के नीचे भी चल करती है, और यूवीबी और बास्किंग लाइट के नीचे भी बहुत अच्छे से, इसको बहुत मज़ा आता है. तो आई हैव यू नो दैट ऑल्सो. पर विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में देयर इज नॉट इनफ सनलाइट, तो आपको बास्किंग लाइट चाहिए ही होगी. और बास्किंग लाइट के साथ जस्ट मेक श्योर आप यूवीबी, एक अल्ट्रा वायलेट बी भी लगा रहे हैं बल्ब, वो एक ब्लू कलर का बल्ब होता है. और इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है ट्रेनिंग, टेमिंग इगुआना. आप उसको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं इगुआना को, तो दैट कम्स आई'ड से ऑन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप अपने इगुआना को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पर तब भी उसके साथ एक बॉन्डिंग बना रहे हैं. डजंट मीन आपको आप उसको लेकर बैठे हुए हैं काफ़ी घंटों तक, हो सकता है वो अनईजी हो जाए, वो अनकम्फर्टेबल होगी फॉर श्योर, इट इज़ अ फैक्ट. ये बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है, यहीं पर लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि अगर वो उसको लेकर बैठे रहेंगे तो ये फ्रेंडली हो जाएगी, टेम हो जाएगी. मैंने बहुत मेहनत करी है टेम करने के लिए, ट्रेन करने के लिए. मैं इसको बाहर वॉक्स पर लेकर जाता हूँ, ऐसा अक्सर करता हूँ मैं. आई जस्ट मेड दैट वीडियो फॉर जस्ट दैट सेक. पर मैं इसको एक्चुअली मैं लेकर जाता हूँ, और शी हैज़ बीन रेज्ड लाइक दैट, और उसको बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कहीं भी बाहर वॉक पे लेकर जाते हैं और वो सब. तो या दिस इज हाउ शी इज. काफ़ी लोगों को लगता है अनकंफर्टेबल है ये है, ये कुछ टाइम बाद हो जाती है, पर जैसे ही मुझे लगता है ये अनकंफर्टेबल हो गई है, मैं इसको उठाकर एकदम घर लेकर जाता हूँ. पर इन शॉर्ट इसको बहुत पसंद है इसे घूमना, और ये इसी चीज़ का वेट करती है. अगर आप इसको लेकर एक जगह खड़े रहोगे तो शी रन्स लाइक दैट, जैसे कि ये अभी चली गई, एंड शी इज रोमिंग ऑल अराउंड मेरे बेड के ऊपर, और सिम्बा इसको छुप छुप कर देख रहा है. तो या दिस इज आवर इट इज. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका यूवीबी बास्किंग, क्योंकि अगर वो नहीं करवाएंगे तो इनको विटामिन और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज आवर इट इज. काफ़ी लोग लगता है मगरमच्छ है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ डू दैट, और अगर वो वाली कर ली है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जिन लोगों को नहीं पता है ये होते क्या हैं, क्या जिनको बिल्कुल नहीं पता है. So thank you so much for watching. Please hit the like button if you like the video and please do subscribe. जैसा पहले वाला reaction video था, ऐसे काफी सारे मैं सोच रहा हूँ और करने के लिए, because I usually do it, but I just don't film that. So yeah, thank you so much again. Just take care of your pets, your family and yourself also. अपने घर के आसपास थोड़े से जानवरों का ध्यान रखिए. अगर वो बीमार हैं तो थोड़ी सी दवाइयाँ दीजिए, थोड़ा सा खाना दीजिए. और अभी रेनी सीजन है, तो अगर वो आपके घर के नीचे आ जाएं तो प्लीज़ उनको भगाइए मत. एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड.